डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर जो आपका पेपर है सेक वन, जो सेमेस्टर थ्री में आप लोगों को पढ़ना है, और मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था नंबर सिस्टम, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे इसके जो टॉपिक्स वो कवर हो गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड नया टॉपिक है कन्वर्जन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको चार नंबर सिस्टम्स बताए थे, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार नंबर हमने आपको बताए थे और इन चारों नंबर पे हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे से कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आपके पास डेसिमल नंबर दिया रहेगा, अगर आपके पास डेसिमल है तो आपको बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगर आपको बाइनरी दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करके बताना है डेसिमल में, ठीक है। एग्ज़ाम में तो MCQ ही आएगा, लेकिन आप कैसे टेस्ट करेंगे, जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, जल्दी में हम आपको पहले कन्वर्जन सिखाते हैं। सबसे पहला जो आप सीखेंगे आज के लेक्चर में वो है डेसिमल नंबर टू, डेसिमल को आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बहुत आसान है, अगर आपने फोर क्लास या फाइव क्लास में जो LCM सीखा होगा, बस वही जो फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। देखिए एक एग्जांपल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल 464, दिस इज़ अ बाइनरी नंबर। व्हाई? बिकॉज हैविंग इसका बेस कितना है, 10 है। तो 10 बेस का मतलब क्या होगा, 10 बेस का मतलब ये होगा कि ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर साइड में 464 को इस तरीके से बनाएंगे। आप देखें, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 2 = 4, कितना हो गया यहाँ बचेगा, 0। 0 कैसे बचा, यानी अगर आप 464 को भागा दीजिएगा 2 से तो 232 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 464 बचेगा कितना, 0। तो जो बचता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, सामने में लिख देंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या है, 2 * 2, फिर 2 * 2, यहाँ 3 में से इधर 2 * 6 = 12, यहाँ कितना बचेगा, 0। फिर यहाँ पे 2 * 5 = 10 और यहाँ 16, 2 * 8 = 16, यहाँ कितना बचेगा, 0। 2 * 2 = 4 और 2 * 9 = 18, फिर कितना बचेगा यहाँ, 0। फिर यहाँ पे करते हैं 2 * 2, 2 * 4 = 8, 14 * 2 = 28, 1 बचा इस बार में, ठीक है। 2 * 7 = 14, 1 0 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 2 * 3 = 6, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 * 2, यहाँ पे 1 बचेगा। आप देखें 464 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, 11100 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल नंबर था, लेकिन हमने 2 से क्यों किया, चूँकि डेसिमल बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए हमने इसको कितना से किया, 2 से किया। अब लिखने का तरीका ये है, नीचे से ऊपर, नीचे से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 111 ट्रिपल वन है, फिर क्या है, 0101, फिर क्या है, 1000, 4 * 0 है, 4। दिस इज द आंसर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 4 6 4 4 base 2, यहाँ लिखा रहेगा व्हाट इज़ द बाइनरी वैल्यू, व्हाट इज़ द बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू ऑफ, या हिंदी में लिखा रहेगा इस नंबर का बाइनरी नंबर क्या है। तो आप निकालें, आपको आइडिया आ गया, आप इसको, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन ये भी रहेगा, आप इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देख लिया आपने कैसे कन्वर्ट किया, हम कन्वर्ट किया जाता है। एक दो एग्जांपल और हम दिखाते हैं, यहाँ पे छोटा एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 20 का, ठीक है। 20 क्या है, एक डेसिमल है, इसको बदलते हैं। 20 को आप सिंपल बदलना सीखें, 2 * 1 = 2, 0, यहाँ कितना बचेगा, 0। 2 * 2 = 20, 0 बचेगा। 2 * 5 = 10, 0 बचेगा। 2 * 2 = 4, 1 बचेगा। 2 * 1 = 2, 0 बचेगा यहाँ पे ना। तो अब देख ले 20 का कितना आ गया, कितना आ गया, 10100, 10100 बेस लगा दें आप, तो बन गया ना। फिर से टेस्ट कर लें, यहाँ पे 2 * 2 = 20, 0 बचेगा। 2 * 5 = 10, 0 बचेगा। 2 * 2 = 4, 1 बचेगा। 2 * 1 = 2, 0 बचेगा। बहुत सिंपल है। और भी हम कुछ छोटा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मान लें हम 8 लेते हैं। 8 एक बाइनरी नंबर है, सॉरी डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी क्या होगा उसको देखते हैं। सिंपल, 2 * 4 = 8, यहाँ 0 बचेगा। 2 * 3 = 6, 2 * 2 = 4, यहाँ 0 बचेगा। 2 * 1 = 2, यहाँ 0 बचेगा। तो आप देख, आपने देखा 1000। तो इस तरीके से आपको निकालना आ ही गया होगा। आप सीखें कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल, आप 2 से इसको डिवाइड कर दें, जो बचेगा सामने लिखते जाएं, या 0 बचेगा या 1 बचेगा, इन्हीं दो नंबर में से कोई एक नंबर बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस को खुद से उठाएंगे इस तरीके से और उसको कन्वर्ट करके आप बना रहे हैं, ठीक है।
तो अब आपने देखा डेसिमल टू बाइनरी हमने आपको बताया, दूसरा दिखाते हैं, इसी का अपोजिट करते हैं अब, बाइनरी टू डेसिमल। जैसे दिया रहे हैं यहाँ पे 1010, अब आप पहचान सकते हैं ये कौन नंबर है, बाइनरी नंबर है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप पीछे का वीडियो जाकर देखें, नंबर सिस्टम जो मैंने बताया था उसको देख लें, तब आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बाइनरी नंबर आपको बदलना किस में है, डेसिमल में बदलना है। तो इसके बदलने के दो तरीके हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट। तो पहले लॉन्ग वाला दिखा देते हैं, तब शॉर्ट में आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 1010, यहाँ से काउंट करेंगे, पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 1, तीसरा डिजिट 2, चौथा डिजिट 4। कितना डिजिट है इसमें, थ्री, इसमें चार डिजिट है लेकिन तीन तक जाएगा, 0123 तक जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 into ये लिखेंगे, ये वाला बेस लिखेंगे 2 to the power, यहाँ कितना है 3, प्लस दूसरा वाला लिखेंगे 0 into 2 to the power, कितना ऊपर में 2, प्लस 1 into 2 to the power ऊपर में कितना है 1, प्लस 0 into 2 to the power ऊपर में कितना है 0। इस तरीके से पहला देखें ये 1 हो गया, दूसरा वाला 0 यहाँ आ गया, तीसरा वाला 1 यहाँ चला गया, चौथा वाला 0 यहाँ आ गया। सबके साथ कॉमन है ये बेस 2 2 2, सबके साथ कॉमन है। अब ये पावर जो है ये 3 2 1 0, जितना भी नंबर रहेगा ये घटता जाएगा, सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8, कितना आ गया 8 आ गया ना, तो यहाँ पे 8 लिख दी, प्लस इसका वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगा, चूँकि 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, प्लस 1 into 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 8 1 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10। तो अब देखिए 1010 का जो ये बाइनरी नंबर है इसका कितना आता है डेसिमल नंबर, 10 आता है। तो ये हो गया लॉन्ग कट, ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। अब इसी का हम थोड़ा शॉर्ट सिखाते हैं आपको, ठीक है, 1010 का, जैसे हमने लिखा 1010, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर में 2 का पावर में 0 लगा देना है, इसके पावर 2 का पावर में 1 लगा देना है, इसके पावर में स्क्वायर लगा देना है, इसके पावर में 3 लगा देना है। ये 0 वाला को आप काट दें, 0 वाला क्या होगा, कट गया, 2 का पावर क्यू का मतलब 8 प्लस 2 का पावर 1 का मतलब 2, दैट इज 10। तो वही चीज़ आ गया जो भी हमने निकाला, ठीक है। तो आपने देखा डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल करने का आपने दो प्रोसेस देखा, लॉन्ग कट भी देखा आपने, शॉर्ट कट भी देखा। आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, आप ज़रूर बनाएं। आज के लेक्चर में दो ही बता रहे, आप दो दो करके ही पढ़ें, अगर एक ही बार सारे चीज़ बता दें तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज कर जाएँ, ठीक है। तो ये आप बेसिक निकालना ज़रूर सीखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो MCQ पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको अगर आइडिया हो जाता है तो आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, और ख़ास करके अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखें।